जनपद में शनिवार को कोतवाली थाने सहित अन्य थानों पर संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बांसगांव थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस में जमीन मकान विवाद अवैध कब्जे से संबंधित मामले सामने आए थे। उन्होंने बताया कि कुछ मामले ऐसे भी थे जो कि न्यायालय में विचाराधीन थे। दो मामले ऐसे भी आए थे जिनमें एसडीएम के द्वारा पक्की पैमाइश का आदेश हो चुका है। इस मामले में दूसरा पक्ष असहमत था तथा दूसरे पक्ष को बताया गया कि कोई असहमति दर्ज करनी है तो वह वाद न्यायालय में दर्ज कराइए। एसपी साउथ ने बताया कि दोनों मामलों के लिए लेखपाल व पुलिस टीम भेजकर पैमाइश कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, क्या समस्या आपकी है? समस्या तो सब जानते हैं, कुछ किए ही नहीं तो क्या बताएं? अरे बताइए, आपसे बताइए, फिर से बता दीजिए, हमसे बताइए। हम तो आए थे, किस बताया आप मैंने शिक्षा बताई हमसे मैं तो इन लोगों से आपको कुछ हो गया मुझको यहाँ से कहे दो मिनट के अंदर ही हम आए हैं। हाँ तो बताइए समस्या। भैया 11/18 पंजीकृत है जी, भाड़ा क्या है नहीं मालूम, दिखाते हैं रजिस्टर लाइए, अठारह का रजिस्टर लाइए। चार बसवंती चटर्जी कौन है आप? जोर दीपक पांडे मेरे घर के किरायेदार है। अभी किराए पर आप कमरे में छोड़ दिया है? नहीं, मेरे घर में है वो। अभी आप ही जाना है? हाँ जी। किराए पर? किराए पे नहीं है, मतलब कि किरायेदारी के रूप में मुकदमा भी चल रहा है। मुकदमा भी चल रहा है? अच्छा अच्छा। ऐसे फोर्जरी की, उनकी बीवी मकान मालिक बना दिया अपने बीवी को, अपने किरायेदार बीवी का बना था, मेरा किरायेदार नहीं बना था। और जब आके हम जीते हैं केस हाईकोर्ट से मकान का, तो अपने अभी हमको मकान मालिक बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप मेरे मकान मालिक हो जाइए। ऐसा होता है नहीं, पहले अपने बीवी को मान लो, फिर हमको मान लो। पुलिस से क्या मदद चाहिए आपको? क्या मदद चाहिए? उसका बेटा हमको घर में घुस के एकदम जान मारने की कोशिश की है, पुलिस कुछ नहीं की है। कोर्ट का ऑर्डर हो तो लाइए, हम दिखाते हैं उसको खाली खाने के लोगों को। कोर्ट का क्या ऑर्डर जो हो रहा है मेरे साथ, पुलिस किस लिए बैठ के उसको पकड़ने के लिए, इसको मारने के लिए, इसको सजा देने के लिए ना, क्या करने के लिए पुलिस बैठी हुई है? इसको आज समाधान दिवस के अंतर्गत मैं थाना बांसगांव गया था, तहसीलदार बांसगांव भी थे, इंस्पेक्टर बांसगांव, थाने का पुलिस बल और राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक और लेखपालों की टीम थी। आने वाले अधिकांश मामले खेत मेड़ के विवाद के, मकान निर्माण के, अवैध कब्जे के, इसी तरह के थे। और बहुत सारे मामले ऐसे भी थे जिसमें माननीय न्यायालय में, दीवानी न्यायालय में या तो वाद विचाराधीन है या स्थगन आदेश है। एक दो मामले आए, दो मामले आए थे जिसमें पक्की पैमाइश का आदेश एसडीएम के न्यायालय से हो चुका है। दूसरा पक्ष असहमत था लेकिन उन्हें बताया गया उस आदेश के क्रम में आज पक्की पैमाइश होगी, असहमति आपको करनी है तो आप इस निर्णय के खिलाफ वाद आयोजित करिए और उस पर कोई अनुतोष प्राप्त करिए। माननीय न्यायालय से किसी भी स्तर से, चाहे राजस्व न्यायालय हो, चाहे जुडिशियल कोर्ट्स हों, किसी के निर्णय को आप ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते हैं। और मैं वहाँ से दूसरे थाने के लिए निकला था, तब तक दो गाँव के लिए राजस्व और पुलिस की टीम रवाना भी हो गई थी। और आज हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले यहाँ खास करके आम सहमति से पैमाइश हो सकती है या पक्की पैमाइश का आदेश, उसको आज ही टीम भेज करके निस्तारित करा दिया जाए।